ऐसा कि फोर स्टॉक गाड़ी में जो है वो सेल्फ स्टार्ट है, पहले इसमें हम चाबी को डालेंगे और चाबी देने के बाद जो लाल बटन जो होता है उस लाल बटन को हम जो है हल्का सा दबाएंगे, गाड़ी स्पार्क करेगा और उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा। इंजन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम क्लच को लें, वो जो है क्लच को हम जब लेंगे तो उसके बाद जो है एक्सेलेटर जो है हल्का सा जो है उसको दे के रखेंगे, गाड़ी यदि कम एक्सेलेटर करेंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम है कि हम एक नंबर गियर में गाड़ी डालेंगे, जब भी हमको गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो हम एक नंबर गियर में गाड़ी को डालेंगे और फिर जो है धीरे से उसके क्लच को हम जो है छोड़ेंगे और हल्का सा एक्सेलेटर बढ़ाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है ज़मीन छोड़ना शुरू कर देगा। आप जो है ये सेल्फ स्टार्ट जो है इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अब जो है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यदि हम गाड़ी को लेकर चलना है तो प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले आप क्लच पर हाथ लाएं, है ना, और क्लच को मोड़ें। क्लच को मोड़ने के बाद आप जो है एक्सेलेटर को हल्का बढ़ा के रखेंगे और एक नंबर गियर में सबसे पहले डालेंगे। एक नंबर गियर में इसे डालिए, है ना, ये एक नंबर में गियर में आ गया। अब जैसे ही आप एक क्लच को छोड़िएगा तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जब प्राइमरी स्टेज में गाड़ी जो है ढुलकना शुरू हो जाता है, उधर मतलब जब शुरू हो जाता है तो शुरू होने के बाद जो है गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगी, दो नंबर गियर में जो है गाड़ी लगाना है, उसके बाद और थोड़ी सी रफ्तार जब बढ़ेगी तो गाड़ी तीन नंबर में देना है, चार नंबर में डाल करके फुल जो है थ्रोटल दे देना है। इस प्रकार गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़ती है। गाड़ी को सड़क पर लेकर निकलेंगे तो ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो ट्रैफिक रूल्स में हम ध्यान रखेंगे कि हमारे दाहिने साइड का एक ट्रैक जो है वो फास्ट ट्रैक होता है, उस पर चार चक्के की बड़ी गाड़ियां जो है गुजरती हैं, इसके लिए उस ट्रैक को हम छोड़ करके बाएँ के जो ट्रैक है उस पर गाड़ी जो है स्लो जो है हम अपनी रफ्तार में उसको चलाएँगे। यदि दाहिने तरफ से कोई गाड़ी हमको हॉर्न दे रहा है कि हमको साइड चाहिए तो हम जो है लुकिंग ग्लास में देखेंगे और लुकिंग ग्लास में देख लेंगे वो किस टाइप का व्हीकल है, वह कौन सी गाड़ी है, वह मोटरसाइकिल है, कार है या ट्रक है, इसको हम जो है अवलोकन करेंगे और देखने के बाद हम ये जो है सुनिश्चित करेंगे यदि छोटी गाड़ी है उसको कम जगह चाहिए तो हम जो है थोड़ा सा जगह उसको दाहिने से दे देंगे ताकि गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाए। यदि कोई बड़ी गाड़ी है तो हम अपने बाएं साइड स्पेस को देखेंगे और स्पेस देखने के बाद उसको उतना पर्याप्त जगह देंगे कि आराम से वो ट्रक जो है आगे निकल जाए। ट्रैफिक में यदि हम सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं तो उसके सिग्नल्स को पालन करना, तो इस प्रकार हम सारे ट्रैफिक रूल्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमसे कोई गलतियां नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम सुरक्षित ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और पहला स्टेज है कि सुरक्षित ड्राइविंग, जीवन सुरक्षित और जो है सारा परिवार सुरक्षित। जी। हमारा ऑटो का प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग 3 महीना कंप्लीट हम लिए हैं और उसके साथ साथ हम लोग मार्शल आर्ट का भी ट्रेनिंग लिए हैं अपने सेल्फ डिफेंस सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मैं नेहा कुमारी, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं सबको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ये लोग जो ऑटो चलाती है तो इन लोगों को मजबूत करने के लिए मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती हूँ ताकि आगे जाके इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि खुद पे अपना आत्मरक्षा कर सके, कहीं भी निकले तो कोई दिक्कत ना हो। मिडिल पंच, ठीक है, काउंट करेंगे काउंट के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या नाम है, 1000 में किलो ब्लॉक, ठीक है, 3 4 5 इसका नाम है हेड ब्लॉक अलमुल मक्की, ठीक है, 4 5 मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए है, कोई छेड़खानी करे या तो कोई भी तो दिक्कत ना हो कि अब किसी का मदद लेना पड़े, बोल्ड हो गया अपना मुंह तो जवाब दे सके, किसी का भी हेल्प ना ले। 8, 9, 10.
अप एंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। आज यदि खुद महिला ऑटो चला रही है तो कम से कम महिला यात्री तो पूर्णतया सुरक्षित है। अब रह गया सवाल कि इन महिला ऑटो चालकों के साथ जो है किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए अंदर में इसको मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया गया है और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया गया है। और ये महिलाएं, मैं बता दूं कि एक बार पिंकी कुमारी जो हमारी महिला ऑटो चालक है, उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रयोग करके एक लफंगे को काफी धोना और उसको जो है सबक सिखाया। जब सिखाते हैं ना तो उस पर सीरियस हो जाएगी तब ज्यादा अच्छा होगा। कोई काम करिए तो सीरियस हो एकदम। हाँ, कोई भी काम सीरियस ज्यादा अच्छा है। जोर जोर से देखते हैं। नहीं, बोल रही कि गुस्सा यहाँ से आता है तो ताकत भी यहीं से मिलता है। हाँ, वो तो है, लेकिन ब्रेक नहीं लेता है जब गुस्सा आता है। नए नए लोग आते हैं और कुछ से अच्छा कम्प्लीमेंट भी मिलता है हम लोगों को कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कुछ बोलते हैं ये प्रोफेशन आपने क्यों चुन लिया और कोई काम नहीं था, बहुत तरह का सवाल जवाब रास्ते में भी लोग करते हैं। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। पटना के ट्रैफिक में आज 27,000 ऑटो पटना में चल रही है और इसमें मात्र 10 महिलाएं ऑटो लेकर हैं और स्टैंड की कमी है। इस बीच में इसको ऑपरेट करना ये काफ़ी चुनौती भरा काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पुरुष चालक हैं पटना की सड़कों पर, इन महिलाओं को यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो वो सब जो है दौड़ पड़ते हैं इनकी गाड़ियों को जो है देखने के लिए, चेक करने के लिए। इनका यदि चक्का पंचर हो जाता है या गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल है तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हाथों हाथ कर देते हैं। लगता है कि उसके घर का कोई महिला सदस्य है। इधर से कहीं खेलिए ना तो भैया, धन धन आता है। 10 नंबर इंच लगाओ। 10 नंबर ही है। देखे ये तो बहुत बड़ा आ जाता है ना। पकड़े में ठेलावे का जरूरत है। मुझे करो ना सब, इधर से पकड़। प्रशासन से तो सहयोग मिलता है, कहीं भी ट्रैफिक में भी मतलब रुकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस देखते हैं तो क्या मैडम कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिए सब ठीक है ना, तो मतलब उन लोग से कोऑपरेशन तो है, उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशासन से भी मतलब प्रोटेक्शन ही है, उन लोग से काफ़ी हेल्प है और जहाँ तक जनता से है उन लोगों से भी काफ़ी हेल्प है। महिलाएं जो है बहुत फर्राटे से ऑटो को चला रही है, ये बहुत ही कठिन काम इन महिलाओं के लिए हो रहा है क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको स्कूल भी भेजना रहता है और साथ ही 5 बजे सुबह जो घर से निकलती है तो शाम में 6-7 बजे करीब जो है अपने घरों को पहुंचती है। घर का भी दायित्व इसे निभाना पड़ता है, इसीलिए बीच में ये घर भी जाती हैं ऑटो चलाते हुए और अपने बच्चे को स्कूल भी भेजती हैं और सारे कामों को बड़ा ही मुस्तैदी से और बड़े जो है माने अच्छे ढंग से इसको निभा रही है। बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया है पटना जंक्शन। प्रीपेड के ऑटो चालक वो सभी शिक्षित नहीं हैं, उसमें काफ़ी अशिक्षित लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। उनका बात व्यवहार, बात बात में लड़ाई झगड़ा और जो है बतकही करना, गाली गलौज करना, ये सब आम बात थी। लेकिन इन महिलाओं के हमारे प्रीपेड माने से जो सबसे ज्यादा बुनियादी फर्क क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने लफ्ज को जो है वो विराम दे दिया और जैसे घर की महिलाएं के साथ ट्रीट होता है उसी तरह से हमारे प्रीपेड जंक्शन में जो है महिलाओं ने हमारी ही जो है जीवन शैली को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
महिला किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, यहाँ तक कि ऑटो भी चला सकती हैं। कितना सफलता का परिचय है, महिला कैसे से ये ली, इसका ट्रेनिंग ली। लड़कियाँ बोलती हैं कि मेरे लिए अब हमारे घर की माँ बहनें इस तरह का रूप लेके बाहर निकली हैं, हम लोग अब और भी मजबूत होके निकलेंगे और भय हमसे दूर भागेगा। जब हम लोग पहली बार महिला थाना प्रभारी बने तो आदमी को लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो उन लोगों का डिमांड रहा कि हर थाने में महिले थानेदार, इस तरह के महिले थानेदार हो जो शोषण नहीं करते हैं, जो गलत शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, जो समझते हैं कि किनको इज्जत देना है किनको नहीं देना है, इतना तरजीह है। और बहुत ही मैं उन लोगों से मिली हूँ, बहुत अंदर से बोल्ड हैं, उनको कहीं कोई संदेह नहीं कि मैं नहीं चला सकती या मुझे चलाने के क्रम में बाधा होगा, वो निगेटिव सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनकी सोच स्ट्रांग हो उन्हें आप कमज़ोर नहीं कर सकते। जब मेरे पीछे जो ऑटो पे बैठते हैं पैसेंजर और जब हम स्टैंडिंग पकड़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि कुछ मत पूछे, जो लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। यहाँ भी हमारे घर में ड्राइवर है कार के तरह, उन लोग को बोलते थे कि हमको भी कार से चलाना सिखाओ, लेकिन वो लोग बोलता था कि नहीं अच्छा काम नहीं है। तो अब हम उन लोग को बोलते हैं कि ठीक है तुम नहीं ना सिखाए, हम तो ऑटो सीख लिए हैं, कुछ दिन बाद कार भी चलाना हम सीख जाएंगे, लेकिन अब घर का काम नहीं करने का मन करता है। ज़्यादातर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दें कि ताकि हम ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा जरिया आएगा और अपने बच्चों लोग को और अपने पति को ज़्यादा हेल्प कर सकें। लोग मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, उस समय हमको वो फील होता है कि सही में कुछ अलग है, तभी तो लोग मुड़ के देख रहे हैं। और कोई बच्चा लोग एकदम शोर हल्ला टाटा बाय बाय करने लगते हैं तो ये अच्छा लगता है। Thank you.